नालागढ़ एसडीएम परिसर में हेरिटेज सोसाइटी पार्क की नीलामी के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता एसडीएम महेंद्रपाल गुज्जर ने की। इस बैठक में तहसीलदार ऋषभ शर्मा, हेरिटेज सोसाइटी के सदस्य व स्थानीय लोग मौजूद रहे। नालागढ़ में आज हेरिटेज पार्क में स्थित पार्किंग और रेस्टोरेंट की नीलामी को लेकर बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें नालागढ़ के हेरिटेज पार्क में वाहनों को खड़ा करने के लिए बनाई गई पार्किंग इस बार 15 लाख रुपए में नीलाम हुई। वहीं बीते वर्ष इस पार्किंग की नीलामी 18 लाख 90 हजार रुपए में हुई थी। नालागढ़ में वाहनों की पार्किंग की नीलामी हर वर्ष लगाई जाती है। वहीं आपको बता दें कि पार्किंग की नीलामी 10 लाख रुपए से शुरू हुई, जो बढ़ते बढ़ते 15 लाख रुपए पर पहुंची। वहीं दूसरी ओर नालागढ़ हेरिटेज पार्क में स्थित कैफे की नीलामी में इस बार बोली में बढ़ोतरी देखने को मिली। पिछली बार कैफे की बोली एक महीना 36,000 रुपए में लगी थी, लेकिन इस बार 54,000 रुपए राशि पर बोली लगी है। वहीं एसडीएम नालागढ़ महेंद्रपाल गुज्जर ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार पार्किंग की नीलामी 15 लाख रुपए सालाना राजेश कुमार को दी गई है और कैफे की नीलामी प्रति माह 56,000 की बोली लगाकर अप्पू ने अपने नाम की है। आज एजुकेशन सोसाइटी नालागढ़ और हेरिटेज सोसाइटी नालागढ़ के द्वारा पार्किंग और कैफेटेरिया की जो है सालाना जो हमारी नीलामी होती है वो की गई। इसमें जो पार्किंग है वो जो अपने राजेश कुमार हैं उनको 15 लाख में सालाना में गई है। साथ ही उनको जो अग्रणित की स्थिति में जो काम चलता है उस समय क्या स्थिति रहेगी, उस सारे नियम अवगत कराकर उन्हें 24 घंटे के अंदर एडवांस जमा कराने के लिए कहा गया है। इसी तरह जो कैफेटेरिया की बोली है वो पिछले साल 36,000 थी, वो इस बार अप्पू कुमार ने 56,000 रुपये मंथली में ली है। इसके साथ ही उन्हें बोटिंग राइट्स भी जो है पार्क के वो भी इसी में सम्मिलित है, तो ये एक साल के लिए उन्हें ये बोली प्रदान की गई है। ये जो फंड है हमारे पास एजुकेशन सोसाइटी का फंड जो है वो नालागढ़ में एजुकेशन, स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए लगाया जाता है। वहीं जो कैफेटेरिया का फंड है वो पार्क की मेंटेनेंस और जो वेतन जो मालियों के वेतन है और साफ सफाई उसके लिए। अगर किसी कारण पेमेंट जमा नहीं होती तो हमने जैसा कि इसमें व्यवस्था की गई है, जो द्वितीय अधिकतम बोलीदाता था, उच्चतम बोलीदाता था, उनको एक बार मौका दिया जाएगा। अगर वो भी स्वीकार नहीं करते हैं तो 24 घंटे के अंदर इसकी फिर से री ऑक्शनिंग की जाए। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए नालागढ़ से अजय रतन की रिपोर्ट। आपके विधायक ने पिछले 4 साल में क्या कुछ किया, क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिनार, जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास की रफ्तार। लाइफ टाइम्स टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड। खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधानसभा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार, साथ ही इलाके के निष्पक्ष लोगों की निष्पक्ष राय भी। हर हफ्ते केवल लाइव टाइम्स टीवी पर। आप भी अपने विधायक के कार्यकाल पर टिप्पणी करना चाहे तो हमें भेजे अपना वीडियो 8218900003 या 8218900004। Goel Motors Premier League 2022 Cricket Battle starts from 16th March 2022. 10 teams, 150 players, 20 league matches, 2 semi-finals and final with grand ceremony. Don't miss the grand opening. Watch live on GMPL app and Live Times TV. Download the GMPL app from Google Play Store or iOS. And for live action, follow us.